Sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my fall. So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. So, हम जा रहे हैं सुबह सुबह कितने बजे ऑलमोस्ट 6:15 और कितना डिग्री टेम्परेचर है -13 फाइनली रीचिंग टू द की मोनेस्ट्री इट्स लाइक 7 AM राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू शूट ड्रोन शॉट सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू बी हेयर इन द मॉर्निंग टाइम सो इफ यू हैव बीन हेयर इन अर्ली मॉर्निंग ट्रस्ट मी It's gonna be a beautiful. I'm pretty sure I'm getting that vibe. I'm carrying right now around 5 to 6 layer of my clothes. जिसमें से 3 सिर्फ गरम टी शर्ट्स हैं. Then there is a मेरी type of मतलब गरम dress and then उसके ऊपर एक sweater. उसके बाद मेरी एक jacket या white वाली. इस जगह की जो खूबसूरती और vibes वो अलग है. और हम लोग इतने lucky हैं कि जब हम कल पहुँचे थे This place was like this, pura baraf ke bagair. Right now, it's like pura baraf hai. Stars don't shine when there's only satellite. When the drone shot and uske baad agar aap utar rahe ho, toh you can actually explore this place also. Is hum andar nahi ja rahi, just because we had limited time. Matlab hamari bus kharab ho gayi thi, so it was a like add-on trip and we are going back to the bus. So finally guys, leaving this beautiful location, we were staying with Soulful Spiti and it was a pleasant experience for me. And we are going pedal towards all of us. Some people are samne. So we are going towards Spiti Monastery. It's a beautiful day. मुझे पता पक्का है कि इनस की शक्ल देख के पता चल रहा है इसने कुछ कैमरे में बोलना है. बोलो. So Spiti जा रहे हैं हम Spiti Monastery. You look actually adorable, guys. Isn't this look amazing? था अगर ये स्क्वायर है तो मॉन्क ने सिद्धि लेट प्राप्त करी है और इनको ईस्ट सुपास कहा जाता है गाइस. मतलब जैसे कि आप जो हमारे फॉलोवर्स होते हैं उन्होंने मतलब जैसे इनके जो फॉलोवर्स होंगे नॉट हमारे जो इनके फॉलोवर्स होंगे उस टाइम पे उन्होंने प्रे किया था कि प्लीज़ स्टे एट दिस प्लेस एंड मेक दिस प्लेस होली प्लेस. सो दीज आर विक्ट्री सुपास 8 सुपास इन साइड द मोनेस्ट्री. बेसिकली दिस इज़ द मोनेस्ट्री एंड हम यहाँ पर हार्डली रुकने वाले हैं 5 मिनट के लिए. Right now it's 12:57 और मैं पहुंचने वाली हूँ ग्यू मोनेस्ट्री विद इन द स्पैम पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स. और ये पड़ती है आपकी चाइना और इंडिया बॉर्डर के बीच में एंड लेट्स सी कि क्या टाइम चेंज होता है. इंडिया में बज रहे हैं 1:16 दोपहर के और चाइना में बज रहे हैं इस वक्त 3:46 और हम एंटर करते हुए कहाँ पे ग्यू मोनेस्ट्री. तो यहाँ पे है एंट्री टिकट. सो रीचिंग टू द ग्यू मोनेस्ट्री आफ्टर हमारा एक्सपीरियंस इन काजा है मॉन्क इसके अंदर है एंड लेट मी जस्ट शो यू. सो गाइस हम पहुंचते हुए आज की लास्ट डेस्टिनेशन हमने स्किप किया आज का फूड क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम पे पहुंचना था. सो ऑब्वियसली वी आर ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप. सो हम जा रहे हैं नाकू लेक की तरफ जो कि जम जाती है इस टाइम पे. अगर आप स्पेसिफिकली न्यू ईयर के टाइम आ रहे हो तो पूरी जम जाती है. तो फाइनली आज बहुत भीड़ है और आज इस बार लेक कुछ ज़्यादा फ्रोजन नहीं है. नहीं तो ये पानी भी लास्ट टाइम पूरा फ्रोजन था जो मेरे साथ हम ट्रेल से आए हैं. टाबों के बाद हमने लिया है एक स्टॉप खाना खाने के लिए जो कि टाबों के है 5 मिनट ही दूर. सो आप यहाँ पे खा सकते हैं बहुत सारी चीज़
क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस मिलती है. हम रुक रहे हैं सोनमर्ग होम स्टे. हाँ टेस्टी था. सो हेयर इज द फ्राइड राइस फॉर माई आफ्टरनून. सेट की बात ही अलग होती है गाइस. कितने साल के हो आप? 15. माई गुडनेस. सो फाइनली रीचिंग टू आवर स्टे इन कल्पा विच इज़ द वाइट कैसल. द वाइट कैसल एंड चेकिंग इन द रूम्स. हाई व्हाट्स अप. All good. This is the room and I'm gonna sleep tonight here. And this is the new all night. So guys, हमारा कट्टा कर चुका है. हम जैसे ही नहाते ऊपर पहुँचे तो स्नैक्स ज़ीरो थे. और अभी हमने भैया से रिक्वेस्ट करी कि डिनर लगा दो. वी आर द फर्स्ट टू हैव डिनर बिकॉज वी आर हंग्री. और पता नहीं लोग अपने रूम में सारे के सारे भूज कर रहे हैं आज के दिन. ऑब्वियसली इट्स अ न्यू ईयर टाइम तो बनता है. नाउ आई एम इन किन्नौर वैली एज यू पीपल नो. सो अभी मॉर्निंग का टाइम है. लोकल मिठाई शॉप लेके भी चलेंगे घर. एंड यू नो दिस इज़ मॉर्निंग के अभी अराउंड 8:30. अभी हमारा ब्रेकफास्ट लगा नहीं है. तो वी वर लाइक पहले हम एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को. इसमें मैंने बहुत कपड़े पहने फिर भी मेरे को हवा क्रॉस कर रही है. प्लस मैंने यूनिक्लो का अंदर पूरा सेट पहना हुआ है. और मैं जा रही हूँ इस वक्त मंदिर की तरफ. बट उसकी वाइब्स बहुत अमेजिंग है. यहाँ पर जितने फेस्टिवल्स होते हैं ना लोकल, वो यहीं सेलिब्रेट होते हैं इसी जगह पे. अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुके हो पहले ही तो मुझे कमेंट्स में बताओ. गाइस, सो गाइस मैं कल्पा में हूँ. सुसाइड पॉइंट आई हूँ देखने. आई डोंट नो कि लोग इतनी सुंदर वैली आके सुसाइड कैसे कर सकते हैं. यहाँ आके किसका सुसाइड करने का मन करेगा? तो हु इज सुसाइडिंग? वाह क्या व्यू है.